तो भाई लोग, ये पार्ट टू वीडियो होने वाला है बेस्ट डीजल कारों के ऊपर। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने 5 कारों को कवर किया था, उसका बजट थोड़ा सा अलग था, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम अपना बजट थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, लाइक 12 लाख से लेकर 15 लाख अपना बजट बना लेते हैं। इस प्राइस रेंज में जितनी भी डीजल कार्स इंडियन मार्केट में बिक रही है उनके बारे में इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। यानी आपको कौन सा वेरिएंट खरीदना चाहिए, उस वेरिएंट को खरीदने के लिए आपको ऑन रोड प्राइस के तौर पर कितने पैसे देने पड़ेंगे, उसका अगर कोई अल्टरनेटिव वेरिएंट है तो वो कौन सा है, या फिर सिंपली आपको पेट्रोल मॉडल के साथ जाना चाहिए। सब कुछ चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आपको करना क्या है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है और आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना है। इस लिस्ट के अंदर मैंने फर्स्ट पोजिशन पर महिंद्रा की XUV300 को रखा है और आज के डेट में महिंद्रा कंपनी ने इस कार के अंदर एक डीजल इंजन ऑफर किया है। आपको मिलने वाला है 1.5 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन, जिसके तहत XUV300 115 bhp की पावर आउटपुट और 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर लेती है। सेम इंजन के साथ आपको 20 किलोमीटर पर लीटर से लेकर 22 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिल जाएगा, लेकिन हाईवे के ऊपर और सिटी में ये माइलेज थोड़ा सा अलग अलग हो सकता है। लुक्स की अगर मैं बात करूं तो करंट XUV300 के लुक्स अच्छे खासे है, इंटीरियर आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा, लेकिन जिन लोगों को करंट XUV300 अच्छी नहीं लग रही है वो इसके फेसलिफ्ट मॉडल के लिए वेट कर सकते हैं। इसका फेसलिफ्ट मॉडल फिलहाल के लिए टेस्टिंग फेज में है, अगले 2-3 महीनों के अंदर वो इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगी। उसके अंदर महिंद्रा कंपनी काफी ज्यादा बदलाव कर सकती है, काफी सारे अपडेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। करंट मॉडल भी अच्छा खासा है, लुक्स आपको अच्छे खासे देखने को मिल जाएंगे और इस प्राइस रेंज में यानी 12 लाख से लेकर 15 लाख के रेंज में आप इसका बेस मॉडल भी खरीद सकते हैं, जो कि है W4 वेरिएंट। और इस मॉडल को खरीदने के लिए आपको एक शोरूम कीमत के तौर पर 10,21,000 रुपए देने पड़ेंगे। ऑन रोड प्राइस इसकी 12,22,000 रुपए तक चली जाती है, लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा सा ज्यादा है, आप और भी ज्यादा खर्च करना चाहते हैं, आपको ज्यादा फीचर्स चाहिए, तो उस केस में आप XUV300 का टॉप सेलिंग वेरिएंट खरीद सकते हैं, जो कि है W6 वेरिएंट। अब टॉप सेलिंग का मतलब होता है बहुत सारे लोग इसी वेरिएंट को खरीदते हैं, तो आप W6 मॉडल को भी खरीद सकते हैं डीजल इंजन के साथ, और इस मॉडल की ऑन रोड कीमत आपको 13,15,000 के आसपास देखने को मिल जाएगी। कुछ सिटीज में ये ऑन रोड कीमत ऊपर या फिर नीचे हो सकती है, तो 2024 में इस कार को आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ज्यादा फीचर चाहिए, नया लुक चाहिए, तो आप इसके फेसलिफ्ट मॉडल के लिए डेफिनेटली वेट कर सकते हैं, लाइक आपको अगले 2-3 महीनों का इंतजार करना पड़ेगा। अब सेकंड पोजीशन पर एक 7-सीटर कार को मैंने रखा है। इंडिया में 7-सीटर कार्स भी काफी ज्यादा बिकती है और ये जो सेकंड नंबर की 7-सीटर कार है, इस कार को काफी खतरनाक तरीके से रिस्पॉन्स मिल रहा है। इस कार का नाम है किया के करेंस। इसके बेस मॉडल से ही किया कंपनी ने अच्छे खासे फीचर्स ऑफर करे है। अगर इस प्राइस रेंज में आपका बजट कम है तो उस केस में आप इसका बेस मॉडल भी खरीद सकते हैं, वहां पर आपको अच्छे खासे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। किया करेंस के अंदर 1.5 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन ऑफर किया जाता है, जिसके तहत आपको 114 bhp की पावर आउटपुट और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर पावर फिगर्स अच्छे खासे है, इस कार का परफॉर्मेंस आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा और किया की करेंस लगभग 21 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देती है। ये माइलेज AERA ने क्लेम किया है, हाईवे के ऊपर और सिटी के अंदर आपको माइलेज थोड़ा सा अलग मिल सकता है। इस प्राइस रेंज में आप किया करेंस का बेस मॉडल आराम से खरीद सकते हैं, जो कि है प्रीमियम, जो कि आता है IMT ट्रांसमिशन के साथ। तो इस प्राइस रेंज में ये एक परफेक्ट 7-सीटर कार आपके लिए साबित हो सकती है, अगर आपको डीजल इंजन ही लेना है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई ये IMT ट्रांसमिशन क्या है। हमने सुना है मैनुअल ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, CVT ट्रांसमिशन, लेकिन ये IMT क्या चीज है? तो आपको बताना चाहूंगा, इस ट्रांसमिशन को हुंडई और किया ने इंट्रोड्यूस किया है और अपनी कुछ कारों के अंदर ऑफर किया है। यहाँ पर आपको क्लच का इस्तेमाल देखने को नहीं मिलेगा, यानी IMT ट्रांसमिशन मॉडल के अंदर आपको क्लच नहीं मिलेगा। अगर आपको 7-सीटर कार लेनी है, 15 लाख के ऊपर आप खर्च करना चाहते हो, तो उस केस में आप किया करेंस का टॉप सेलिंग वेरिएंट खरीद सकते हैं डीजल इंजन के साथ, जो कि है प्रेस्टीज। और प्रेस्टीज वेरिएंट खरीदने के बाद आपको अच्छे खासे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। इस मॉडल की ऑन रोड कीमत 16,44,000 रुपए तक चली जाती है। इतना ज्यादा बजट नहीं है तो वहां पर आप बेस मॉडल को भी खरीद सकते हैं। तीसरे नंबर पर मैंने किया सेल्टॉस को रखा है, जिसका फेसलिफ्ट मॉडल कुछ दिन पहले ही इंडिया में लॉन्च हुआ था और किया कंपनी ने इस कार के अंदर काफी ज्यादा बदलाव करे है। आज के डेट में किया सेल्टॉस के अंदर आपको 2 डीजल इंजन का ऑप्शन मिल जाएगा। हालांकि यहाँ पर डीजल इंजन के अंदर आपको नॉर्मल सा ही डिफरेंस देखने को मिलने वाला है, कुछ सीसी का ही डिफरेंस है, लेकिन पावर आउटपुट आपको लगभग सेम देखने को मिल जाएगी। खैर, किया की सेल्टॉस डीजल इंजन के साथ लगभग 20 के ऊपर माइलेज दे देती है और न्यू सेल्टॉस का
लुक काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। किया कंपनी ने लुक्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया है। फ्रंट का लुक, साइड का प्रोफाइल और रियर से ये पहले के मुकाबले अब काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। इसके इंटीरियर में आपको अच्छे खासे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। इंटीरियर भी कम्प्लीटली चेंज हो चुका है और इस प्राइस रेंज में आप सेल्टॉस का बेस मॉडल खरीद सकते हैं जो कि है HTE और इस मॉडल की एक्सशोरूम कीमत 11,99,000 रुपये रखी गई है। सेम मॉडल की ऑन रोड कीमत 14,18,000 रुपीस तक चली जाती है। तो यहाँ पर किया सेल्टॉस के अंदर अगर आपको डीजल इंजन लेना है तो आपको लेना पड़ेगा इसका बेस मॉडल, जिसके लिए आपको 14,00,000 रुपीस के ऊपर पैसे देने पड़ेंगे। ये कार अच्छी खासी है। अगर आपका बजट कम है तो वहाँ पर आप पेट्रोल इंजन के साथ भी जा सकते हैं। अगर आपको डीजल इंजन ही लेना है तो वहाँ पर आप इसके बेस मॉडल को कंसिडर कर सकते हैं। फोर्थ पोजिशन पर मैंने हुंडई क्रेटा को रखा है। इसका भी फेसलिफ्ट मॉडल कुछ दिन पहले ही इंडिया में लॉन्च हुआ था और इस कार के अंदर हुंडई कंपनी ने काफी ज्यादा बदलाव करे हैं। एक्सटीरियर के अंदर आपको काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर कम्प्लीटली नया लुक आपको मिलने वाला है। इंटीरियर के अंदर भी आपको नेक्स्ट लेवल फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, लेकिन उन फीचर्स का फायदा उठाने के लिए आपको टॉप मॉडल खरीदना पड़ेगा। अगर आपका बजट उतना ज्यादा नहीं है तो आप बेस मॉडल के साथ जा सकते हैं या फिर सिंपली आप सेकेंड बेस या फिर थर्ड बेस मॉडल को खरीद सकते हैं। वहां पर आपको ठीक ठाक फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। हुंडई क्रेटा के अंदर आपको 1.5 लीटर फोर सिलेंडर डीजल इंजन का ऑप्शन मिल जाएगा। ये भी उतनी पावर आउटपुट प्रोड्यूस करती है जितना कि किया सेल्टॉस के अंदर आपको पावर आउटपुट मिलने वाली है। इसके अंदर भी आपको लगभग सेम माइलेज मिलेगा और इस प्राइस रेंज में आप हुंडई क्रेटा का बेस मॉडल खरीद सकते हैं, जिसकी एक्सशोरूम कीमत 12,44,000 रुपए रखी गई है और सेम मॉडल की ऑन रोड कीमत 14,71,000 रुपए तक चली जाती है। एक चीज यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, सेल्टॉस के डीजल मॉडल को खरीदने के लिए आपको थोड़े से कम पैसे देने पड़ेंगे। लाइक 14,18,000 रुपीज आपको देने पड़ेंगे वहां पर, लेकिन क्रेटा के फेसलिफ्ट मॉडल के अंदर आपको डीजल इंजन लेना है तो यहाँ पर आपको 14,71,000 रुपीज देने पड़ेंगे। यहाँ पर आपको लगभग 50,000 रुपीज का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा सेल्टॉस के और क्रेटा के डीजल मॉडल के अंदर। हालांकि दोनों का ही आपको बेस मॉडल लेना पड़ेगा, लेकिन फीचर्स के अंदर भी आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो इन दोनों में से एक कार को अगर आपको लेना है तो यहाँ पर सेल्टॉस की कीमत आपको थोड़ी सी कम देखने को मिल जाएगी डीजल इंजन के लिए, वही क्रेटा की कीमत आपको थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल जाएगी। इन दोनों में से किस कार को आप खरीदना चाहोगे या फिर इन दोनों में से किस कार का लुक अच्छा खासा है फेसलिफ्ट मॉडल का, कमेंट सेक्शन में आप जरूर अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। आखिरी नंबर पर मैंने महिंद्रा थार को रखा है, जो कि इंडियन मार्केट में काफी ज्यादा पसंद की जाती है और इस कार को भी इस प्राइस रेंज में आप डीजल इंजन के साथ खरीद सकते हैं। थार के अंदर आपको दो डीजल इंजन का ऑप्शन मिलेगा। इस कार के अंदर 1.5 लीटर डीजल इंजन दिया जाता है, इसके अलावा 2.1 लीटर एमहॉक डीजल इंजन का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइलेज आपको काफी कम मिलने वाला है थार के अंदर। ये कार लगभग 9 km/h से लेकर 15 km/h का आपको माइलेज देने वाली है। ऑब्वियस सी बात है, ये एक ऑफ रोडर कार है तो उसी वजह से आपको माइलेज काफी कम देखने को मिल जाएगा। खैर, माइलेज के लिए थार को कौन ही खरीदता होगा। इस कार के लुक्स भाई नेक्स्ट लेवल है। इंटीरियर में आपको एडवांस लेवल के फीचर्स नहीं मिलेंगे। इस कार को बहुत सारे लोग ऑफ रोडिंग के लिए यूज कर सकते हैं। इस प्राइस रेंज में आप थार का बेस मॉडल खरीद सकते हैं जो कि है AX ऑप्शनल वेरिएंट, और इस बेस मॉडल के अंदर आपको हार्ड टॉप का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस मॉडल की एक्सशोरूम कीमत 11,25,000 रुपए रखी गई है और सेम मॉडल की ऑन रोड कीमत 13,31,000 रुपए तक चली जाती है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि भाई डीजल मॉडल के लिए 13,00,000 क्यों खर्चने, पेट्रोल मॉडल को खरीद लेते हैं। तो आपको बताना चाहूंगा, इसका जो पेट्रोल मॉडल है उसके बेस मॉडल की ऑन रोड कीमत 16,37,000 रुपए तक चली जाती है। वहां पर आपको कीमत थोड़ी सी ज्यादा ही देखने को मिल जाएगी। देखो, इसकी डिमांड काफी ज्यादा है, आपको वेट भी काफी ज्यादा करना पड़ेगा, और अगर आपको थार ही लेनी है तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा आप किसी सेकेंड हैंड मार्केट में जा सकते हैं, वहां पर आपको महिंद्रा की थार इजीली अवेलेबल हो जाएगी। अगर आपको न्यू थार लेनी है तो उस केस में आपको 4 से 5 महीनों का इंतजार करना पड़ेगा, और कुछ वेरिएंट के लिए ये वेटिंग पीरियड और भी ज्यादा बढ़ सकता है। खैर, ये 5 कार्स थी जो कि डीजल इंजन के साथ इंडियन मार्केट में बिक रही है। इनमें से एक कार को आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। इनमें से किसी भी कार को आपको नहीं खरीदना है, आपका बजट इससे काफी कम है, तो प्रीवियस वीडियो आप जरूर देख सकते हैं, वहां पर मैंने काफी इंटरेस्टिंग कारों को कवर किया था। उस वीडियो के लिंक में आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना।